खुश रहो बेटा। फाइल कटे दीदी अकेली क्यों दिख रही है? मैंने बहुत सोचा दीदू और फिर ये डिसाइड किया कि शादी तो कभी भी हो सकती है पर हीरोइन बनने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है दीदू, हजार बार सोचा, हजार बार खुद को समझाने की कोशिश की पर दिल ने दिमाग की नहीं सुनी। मैं जा रही हूँ, आई एम सॉरी, माँ से कहना मुझे माफ करे। जो नहीं सोचा था वही हो गयो देवरसा। लड़की थारे मुंह पे थप्पड़ मार के भागी, थारी दोनों छोरियों में खोट निकली सूरजमुखी देवी, एक के पैर में एक के चरित्र में। लड्डू, आई हेट यू पायल, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। किस किस को पकड़ के बोलेंगे कि गलती हमारे छोरे की कोनी बल्कि इनकी आवारा बच्चन लड़की हीरोइन बनने चली गई। और अब देखो कैसे बेशरम जैसे यहां खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। ये वक्त ऐसे में अगर देवरसा का ब्याह हो तो बात बने, पर देवरसा से ब्याह करेगा कौन? ठाकुर बुरा लगेगा माझी सा, पर मनने लगे कि ऐसे वक्त में सिर्फ मारी बहन है जो देवरसा से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। एक वही है जो हमारी परिवार की इज्जत को बचा सके, वो एक खानदानी लड़की है। अब बस हाँ बोलो, एक फोन लगाऊंगी, दुल्हन का जोड़ा पहन के आ जावेगी। भगोड़ा बस सारे खून में है, बाप भाग्या साधु बने, बहन भाग्या हीरोइन बनने। सूरजमुखी जी दरवाजा खोलिए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। हाँ, जा। सूरजमुखी जी देखिए हम मिल करके कुछ हल निकाल लेंगे। ना प्रतिभा जी, माफ कर देना मारे को, इस आपदा का कोई हल को नहीं, ये कलंक मारे माथे से कभी नहीं मिटने वाला, कभी नहीं। नहीं जे भार अपने कलेजे में लेके जीने से तो अच्छा कि मैं मर जाऊं। नहीं सूरजमुखी जी, ओए अगर ये यहाँ मर गई तो पुलिस केस हो जाएगा। ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत माँ, आपको कुछ हो गया ना तो आपकी विधि भी मर जाएगी। रुकिए सूरजमुखी जी, शायद इस मुश्किल का हल मेरे पास है। आपकी एक बेटी चली गई तो क्या हो गया? पायल की जगह विधि बैठेगी आज मंडप पे। माजी सा, ये टूटी टांग वाली छोरी चाले है आपको और मारी 22 कैरेट खरे सोने जैसी रबड़ी चाले कोनी। मम्मी जी पर वेद मानेगा क्या? और देखा जाए तो मम्मी जी मेरी पूजा में भी क्या कमी है? वेद को मैं समझा लूंगी, पर उससे पहले मुझे किसी और से बात करनी होगी। एक माँ तुम्हारे आगे झोली फैला कर भीख मांग रही है अपने बेटे के लिए। सही का तो पता नहीं मां,
पर गलत जरूर समझ गया हूं, इसलिए मुझे शादी ही नहीं करनी। और उस लड़की से तो बिल्कुल नहीं जिसे देख के मुझे बार बार पायल के धोखे की याद आए। पायल की किए की सजा तो सूरजमुखी और विधि को क्यों दे रहा है? माम, आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करूंगा, स्ट्रॉन्ग वाला प्रॉमिस है। आज के बाद आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, आपकी किसी बात को नहीं डालूंगा। आप जैसा कहेंगी वैसा करूंगा, वो भी बिना किसी सवाल के। आज मैं चाहती हूं कि तू वो वादा पूरा करे। पते की बात तो ये कि माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने अहंकार को कायम रखने के लिए वेद की जिंदगी को दांव पे लगाना चाहती है। ठीक है, अगर आप सब लोग को यही लगता है कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ ना, तो ठीक है, मैं जाकर के सूरजमुखी जी और विधि से माफी मांग लूंगी और अपना दिया हुआ वचन वापस ले लूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर और कुछ नहीं। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं सारी शर्मिंदगी ना सहन करने के लिए तैयार हूँ।